छोटे भाई, फायरिंग अमजद के बंदों ने की है, लेकिन बड़े भाई उनकी फायरिंग से नहीं मरे। मतलब? वहां एक औरत भी मौजूद थी। मुझे क्यों मार रही हो? फायरिंग इसी औरत ने की थी। पता लगा वो कौन है? अभी 10 मिनट में। और सुनो, जाकर ऑफिस का भी चक्कर लगा। ये मोबाइल पे कैमरास क्यों नहीं चल रहे? क्या हो रहा है ऑफिस में, कुछ पता नहीं है। ठीक है भाई। क्या हाल है सर? ठीक ठाक। ये कौन है? सर ये पिछले सुपर खुदा बख्श का चाचा है, वही रखवा के गया है। वो किधर गया? सर वो शायद मस्कत चला गया। इसका आईडी कार्ड वगैरह ले लिया था? जी सर। एंट्री कर दी थी इसकी? जी। छोटे भाई 2 दिन तक ऑफिस नहीं आएंगे, लेकिन कमरे की सफाई इसी तरह होगी। नाम क्या तुम्हारा? अल्लाह बख्श। शनाख्ती कार्ड? नीचे सिक्योरिटी वालों को दे दिया था, कल आपको दिखा दूं। कचोरियां ठंडी हो जाएंगी। अरे कोई बात नहीं यार, माइक्रोवेव कर लेंगे। तुम्हें अब कबीर के कत्ल पे तबसरा करना होगा। सर कितनी अच्छी तरह समझते हैं आप मुझे। कुछ बातें हैं जो परेशान कर रही हैं मुझे। उसके भाई ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट सबमिट नहीं की सर, बल्कि उसने तो पुलिस केस ही नहीं बनने दिया। वो हिसाब किताब खुद करेगा। पुलिस को इन्वॉल्व करता तो बहुत कुछ खुल जाता। लेकिन फायरिंग 2 जगह से हुई थी। वो गोली जो उसके फेस पे लगी जिससे वो मरा, राइट आई के नीचे बिल्कुल, और जो गोलियां उसकी टांगों में लगी, सो दोनों अलग अलग पिस्टल से फायर हुई हैं। एक बात तो बताओ, तुम्हें चैन क्यों नहीं आता? अरे ये केस तुम्हारे इलाके का है ही नहीं है, क्यों वक्त जाया कर रहे हो? चलो कचौरी खाते हैं चल के। अरे ऐसे तो आपके इलाके के भी बहुत से केसेस नहीं थे, लेकिन आपने तो कभी हार नहीं मानी। I look up to you, sir. आपके जैसा बनना चाहता हूं, तो कभी हार ना माने। हार तो मैं मान चुका नौकरी छोड़कर। मुझे मालूम है कि आपने नौकरी क्यों छोड़ी थी। शाजी रिहा जो हो गया था, अदालत में केस प्रूव होने के बावजूद उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया। सर यह आदमी भी करप्ट था, रेप केसेस से बाइज्जत बरी हो चुका था। केस आपके केस से बहुत मिलता जुलता। बरसी के बाद राशिद साहब कहाँ गायब हो गए? घर में जब ज्यादा औरतें हो जाती हैं ना तो भाग जाते हैं। इसीलिए डिनर्स में भी जॉगर्स पहन के जाते हैं ताकि भागने में आसानी हो। मेरा मतलब है वहां भी औरतें ज्यादा होती हैं ना। तो तुमने इतने गौर से उनके जॉगर्स तक का जायजा ले लिया? वैसे इतने फॉर्मल कपड़ों के साथ जॉगर्स कुछ मुनासिब नहीं लग रहे थे। भाई देखो मैं हील्स नहीं पहनती हूँ अब, और राशिद के घुटनों में दर्द होती है।
सारा बता रही है कि आप लोग मेक्सिको जा रहे हैं। मैं फिक्रमंद हूँ सारा के लिए। ये कहाँ जाएगी? सारा जब अमरीका चली जाएगी ना, उसके बाद हम लोग जाएंगे, तो तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। प्लीज ये कहानी दोबारा शुरू ना करें। बात सुनो, तुम चुप कर जाओ वरना फुप्पो के सामने मैं झाड़ दूंगी तुम्हें। लेकिन ये पूरी दुनिया छोड़कर मेक्सिको ही क्यों? आप लोग करेंगे क्या वहां पर? चैन की बांसुरी बजाएंगे। यहाँ भी वही कर रहे हैं। आपके हर तरफ चैन ही चैन है। वैसे राशिद साहब करते क्या हैं? राशिद भाई कहते हुए तुम्हारी जबान में बल पड़ते हैं? और तुम्हारा कोई नैब से ताल्लुक है या हमारी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आई हो यहाँ? इस कदर गुस्सा क्यों आ गया आपको? मैंने तो सीधी सी बात पूछी थी, आपको नहीं बतानी तो ना बताएं। मैं तो हर एक को बहुत फख्र से बताती हूँ कि पिंडी के एक यूनिवर्सिटी में उर्दू के डिपार्टमेंट की हेड हूँ मैं। और मैं हेड नर्स रह चुकी हूँ, बहुत सारे हेड्स ठीक किए मैंने। क्या मतलब? आप पागल बुला रही है मुझे? अच्छा क्या बात समझ लेती है? मुझे और राशिद को दखल दर माकूलात हाँ बिल्कुल पसंद नहीं। हम क्या करते हैं, हम मेक्सिको क्यों जा रहे हैं, जॉगर्स क्यों पहनते हैं, हमारी आमदनी क्या होगी, इसका कोई लेना देना नहीं है। थपा, इस कदर अकल खड़ी औरत के साथ तुम रहती कैसे हो? मतलब दो सवालात मैंने क्या कर दिए, यूं उछल पड़ी है जैसे इनके दुम पर पाँव रख दिया मैंने। अच्छा चले आप ऊपर चले मेरे साथ। हाथ हो गए आप भी हैं जीप है, सब कुछ तो बता चुकी हूँ मैं आपको, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। आई एम नॉट कन्विंस्ड। सच्ची बात यह कि मुझे उनकी हरकतें बहुत मशकूक लगती हैं। डिनर पर कौन जॉगर्स पहन के जाता है? और मैं एक बात बताऊँ, जो बूढ़े लोग होते हैं ना, वो एक एक पैसा सेव करते हैं, जोड़ते हैं। और यहाँ यह है कि अपनी पूरी कायनात उन पर लुटाने को तैयार है। क्यों? खुदा का वास्ता है, ना करें उन पर शक। नहीं, पैसे नहीं है उनके पास, वो तो अपनी गाड़ी बेच रहे हैं, ज्वेलरी बेच रहे हैं मेरे लिए। हो सके तो आप ही उन्हें समझाएं कि मैं एक पैसा नहीं लूंगी उनसे। पता चल गया छोटे भाई, क्या अमजद के बंदों से फायरिंग किसने करवाई है? मुझे तो बस अपना काम करना है, बड़ा भाई ना सही छोटा भाई सही। आप दोनों का वफादार रहा हूं और हमेशा रहूंगा। अगर बड़े भाई को किसी औरत ने मारा, उसका क्या पता चला है तुम्हें? उसका भी पता चल जाएगा, चौकीदार ने गाड़ी देख ली और नंबर भी नोट कर लिया है। अरे ऐसा क्लू लेकर आया हूँ कि आप मुझे एक महीने की पेड लीव भी देंगे और थाईलैंड का टिकट भी। फजूल बातें नहीं करना मेरे साथ अभी। अगर फजूल बात की ना तो गोली मार दीजिएगा।
बैठो। और इन सारी वारदातों में दो लोग ऐसे थे जो हर वारदात पर पाए गए। मैंने खुद देखा है सर, सारी रात वाकई पर मौजूद लोगों के बयान पड़े, सीसीटीवी फुटेज भी देखी, तो मालूम हुआ सर एक मर्द और एक औरत हर वारदात पर पाए गए। खास तौर पर जब मकतूल के घर की तरफ देखा या फिर उनके ऑफिस के इर्द गिर्द नजर लगाई, यही दो लोग थे। यकीन कर रहा सर, लैपटॉप में देख लीजिए। गुड ताहिर, अब एक और काम है। अरे काम और सर, एक महीने की छुट्टी तो ले लें सर। हाँ तो एक साथ ही एक महीने की छुट्टी ले लें। हाँ मुराद सर। अगला नंबर सगीर का है, तो साये की तरह उसके पीछे लग जाओ। पर कबीर पर गोली मारने वालों को निशाना उठाना कच्चा था, इस मरतबा गोली मारेंगे सगीर को, लेकिन लगेगी मुझे सर। हाँ तो अच्छी बात है ना, एक साथ ही छुट्टी मिल जाएगी लंबी दम। चलो काम पे लगो। गुड जॉब। अस्सलामुअलैकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ गायब थे, कल आए नहीं सारे दिन? वो गाड़ी खराब हो गई थी, लाए नहीं मैं साफ करता हूँ। नहीं वो मैं कर लूँगा, सारा की पप्पू को देर हो गई, यूनिवर्सिटी जाना है उनको। सुनो वो अगर हम अपनी सीटें आगे करवाएंगे तो हमारे पैसे लगेंगे क्या? मेरा नहीं ख्याल, अभी आपको 7 दिन से ज़्यादा टाइम है ना, मैं फिर भी एहतियातन मालूम कर लेता हूँ। कोई ख़ास वजह? नहीं, जब तक सारा नहीं जाएगी हम भी नहीं जाएंगे। अंकल मुझे नहीं लगता कि आपको अपने प्लान्स चेंज करने चाहिए, सारा आपसे पैसे नहीं लेगी। तो बेटा तुम किस दिन काम आओगे? जाओ उसे कन्विंस करो कि भाई उसे हम अपने मुईस की तरह समझते हैं, जो कुछ मुईस के लिए करते हैं वो उसके लिए कर रहे हैं। वो भी आपको अपना समझती है इसीलिए आपसे पैसे नहीं लेगी, कहती है कि वो चाहते हैं कि आपको मेक्सिको में कोई तकलीफ ना हो। अच्छा वाइपर पकड़ाओ जरा। अंकल गाड़ी का कोई एक्सीडेंट हुआ है? नहीं, डेंट आया हुआ है। हद हो गई काशान, एक तो इतनी देर से आए हो और फिर आते के साथ ही इनके साथ बातों में भी लग गए। चलो मुझे जल्दी से यूनिवर्सिटी पहुंचाओ। आपने हद कर दी, बच्चे को ड्राइवर ही बना लिया आपने। मुझसे क्या देती? गाड़ी तो मैं भी चलाती हूँ राजी साहब, इसीलिए काशान को बुलवाया था आप दोनों के इस जंगे अजीम से बचने के लिए। चलो काशान। हाँ अंकल आप छोड़िए, मैं वापस आके सर्विस कर देता। अरे जाते जाते ये तो बता दो कि डेंट कहाँ पड़ा है। यहाँ धूप में खड़े होके अलविदाई गाना भी गाना है आपको? कल को बीमार हो गए ना तो सारा की फुप्पो नहीं आने लगी आपका इलाज करने के लिए, मुझे ही भुगतना होगा। तुम्हारी इन्हीं ताने बाजियों से बचने के लिए मैं जा रहा हूँ नफीस के घर। इसी तरह भीली कमीज पहने दे, सूख जाएगी। ये सब कचरा तो उठाते जाए वाइपर शाइपर। वालेकुम अस्सलाम। मूसा नाम है मेरा, आपने गाड़ी बेचने के लिए पोस्ट लगाई थी? वो मेरे हस्बैंड ने लगाई हो शायद। बुलाई उन्हें, मैं गाड़ी देखना चाहता हूँ। वो इस वक्त घर पे नहीं, आप देख लीजिए गाड़ी। कौन आया? गाड़ी देखने आए। गाड़ी आप चलाती हैं? गाड़ी देखने आए हो या हमारा इंटरव्यू लेने? गाड़ी अगर लेडीज चलाती हूँ तो जरा कंडीशन डिफरेंट होती है, मर्द थोड़े लापरवाह होते हैं। मैं अभी बाहर से देख लेता हूँ, आपके हस्बैंड आएंगे तो अंदर से देख लूंगा।
आप दोनों में से गाड़ी कौन चलाता है? गाड़ी देखने आए हो या हमें ड्राइवर रखने के लिए आए हो? ये कुछ अजीब सा निशान है, किस चीज का है? देखो चूल्हे पे मेरी हांडी जल रही है, तुमने गाड़ी देखनी तो देखो, वरना मेरे हस्बैंड आएंगे तो उनसे बात कर लेना। इतना अजीब आदमी था, गाड़ी कम हमें ज्यादा देख रहा था। तुम्हारे अंकल सुनते ही नहीं, एड पोस्ट कर दिया, उल्टे सीधे लोग आ जाते हैं। कहा भी था कि मैकेनिक को बता दो, आराम से बिकवा देगा। ऑफिस की भी सफाई कर दें। जी सर। गाड़ी अगर लेडीज चलाती हूँ तो जरा कंडीशन डिफरेंट होती है, मर्द थोड़े लापरवाह होते हैं। मैं अभी बाहर से देख लेता हूँ, आपके हस्बैंड आएंगे तो अंदर से देख लूंगा। आप दोनों में से गाड़ी कौन चलाता है? ये कुछ अजीब सा निशान है, किस चीज का है? क्या हुआ, सालन लग तो नहीं गया? आप ठीक है? ऐसे चक्कर आ गया जरा सा। ब्लड प्रेशर की दवाई खाई थी आज? हाँ खाई थी। अच्छा नहीं खाई थी, नहीं। मैं लेकर आती हूँ। आशीष साहब, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप फौरन आ जाएं प्लीज। ये तुम घर से सीधा ऑफिस क्यों नहीं जाते? सर मैं तो ऑफिस के लिए निकलता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, रास्ते में हलवापूरी देखता हूँ तो आपकी शक्ल याद आ जाती है। बकवास, तुम्हारे दिमाग में जब भी कोई पसूड़ी फंसती है ना तुम्हें मैं याद आ जाता हूँ। आप बताओ आज क्या मसला है? सर एक छोटी सी बात है बस, ये इम्तियाज वाले केस में आपने इन्वेस्टिगेशन की थी। कौन इम्तियाज? सर क्या हो गया, वो बंदा जो एक्सीडेंट में मारा गया था और उसकी गाड़ी के नीचे एक और बंदा आके मारा गया था। सर उसकी फैमिली कहाँ है बंदे की? मुझे क्या पता, इतना पुराना केस है, लेकिन तुम्हें इसका ख्याल कैसे आ गया? सर इसकी फैमिली से मिलना लाजमी है ना, इस केस की ना फाइलें ऐसे लगता है किसी ने इधर से उधर कर दी है, हॉस्पिटल में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली। अरे यार जो केस खत्म हो जाते हैं उनकी फाइलों का रिकॉर्ड कौन रखता है? यहाँ तो चलते केसेस की फाइलें, रिपोर्ट्स, गवाह वो गायब हो जाते हैं। तुम इतना पुराना केस खोलकर बैठ गए, बाज आ जाओ,
वरना मेरे जैसा हशर होगा। सर वही तो चाहता हूँ, आपके जैसे ही तो बनना है। आज भी ना थानों में बहुत इज्जत से नाम लिया जाता है आपका। देख लो, मैं भी अकेला रह गया हूँ, तुम भी अकेले रह जाओगे। सर वैसे आप अपनी फैमिली को यहाँ क्यों नहीं बुला लेते? तुम्हारा क्या ख्याल है, यहाँ किसी किस्म की सिक्योरिटी है? कोई इंसाफ, कोई कानून है यहाँ पे? तो आप चले जाएं उनके पास। रिटायरमेंट के बाद इंसाफ के लिए जो कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ। मुझे अपनी जमीन से मोहब्बत है। अस्सलामुअलैकुम छोटे भाई। सुना है तेरे घर का काम पूरा हो गया? जी जी छोटे भाई हो गया। पैसे कहाँ से आए? मैंने तो दिए नहीं। वो बड़े बड़े भाई ने दे दिए। अच्छा अच्छा, अपने मरते हुए बाप के हॉस्पिटल के बिल तो दिए नहीं उसने, तुझे 1,00,000 रुपया दे दिया। सलाम छोटे भाई। जा। गाड़ी के मालिक एक बड़े नहीं है, घर में एक बड़ी भी और एक बेटी है। बड़ी भी गाड़ी नहीं चला सकती और अगर चला भी सकती हूँ तो फायर करना उनके बस की बात नहीं। मुझे उनकी बेटी पर शक है। फिर आप जो आप हुक्म दें। सारा पता नहीं क्यों इस दफा तुम्हें छोड़ के जाते वक्त ना दिल को अजीब से वहम हो रहे हैं। बस मेरा दिल नहीं, बस तुम ना इन लोगों के मैक्सिको जाने से पहले अपने लिए कोई और घर देख लो। बल्कि तुम अमेरिका चली जाओ ना, मेरे पास हैं कुछ पैसे तुम्हें देने के लिए। अब क्यों परेशान हो रही हैं? मैं सब हैंडल कर लूँगी ना। अच्छा, अगर और कुछ भी ना बन पाए ना तो कैशान से शादी ही कर लो, कम अज़ कम एक दूसरे का सहारा ही बन पाओगे। आपको भी हर मसले का हल शादी लगता है? काशान पढ़ने जा रहा है, अब ये शादी बीच में कहाँ से टपक पड़ी। चलिए काशान आ गया। आ जाओ सारा। हाँ शादी तो मैं कल करने के लिए तैयार हूँ, बस एक छोटा सा मसला है। क्या? सारा मुझे सड़क के कोने पे टेंट लगा के रहना पड़ेगा। भाभी तो मुझे भी रखने के लिए तैयार नहीं है, सारा को बर्दाश्त ही ना कर ले। लानत है, कुछ भी बंदे को गरीब नहीं होना चाहिए। अच्छा तुम दोनों शादी के किसी घर में भी तो रह सकते हो। हाँ क्यों सारा, तुम्हारे चहेते आंटी अंकल को एक पला पलाया बेटा मिल जाएगा ना। वैसे अगर तुम अमेरिका नहीं जाती तो सीधे सीधे शराफत से मेरे पास पिंडी आ जाना। एयरपोर्ट आ गया। पता नहीं कैसे मेरी नजर से बच गई। काशान कह भी रहा था कि गाड़ी में टेंट पड़ा हुआ है, ले जाता हूँ मैकेनिक के पास इसे। राशिद हम लोग बहुत गलतियां करने लगे, भूल जाते हैं बातें। 10 बार कह चुकी हूँ कि हम भूल जाते हैं। अरे भाई बूढ़े हो गए तो भूलेंगे, तो गलतियां भी करेंगे। नहीं लेना चाहिए थे प्रोजेक्ट, चले जाना चाहिए था मैक्सिको। अब ले लिया तो पूरा तो करना पड़ेगा ना। आप जानते हैं ना कि ये मूसा जो आया था ये कबीर और सगीर का राइट हैंड मैन है, और जिस तरह सारा को देख रहा था ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा।
अपनी फिक्र नहीं है, लेकिन सारा को कुछ नहीं होने दूंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। बस। हेलो, तुम्हारी फूफो को अंकल और आंटी से क्या मसला है? उनको पसंद नहीं आती ना? हाँ, उन्हें लगता है कि वो दोनों कुछ गलत कर रहे हैं। मतलब ये कि उनकी इनकम कहाँ से आती है, मेरी रेंट से या फिर एसेज लिख लेने से या फिर एक दो मरीजों को दवाई दे देने से? इतना तो नहीं कमा सकते कि पैसे लैविशली रहे। मेरी फीस देना चाह रहे हैं और ऊपर से पूरे साल का खर्चा भी ऑफर कर रहे हैं। उनके पास सेविंग्स होगी, वैसे भी उनका खर्चा तो ज्यादा है नहीं, तो पेंशन भी आती होगी। काशान बोलो सारा, खुल के बात करो। मैंने डस्टबिन में उस दिन सिरिंज का रैपर और ग्लव्स देखे थे, जो ना मैंने कभी आंटी को पहने हुए देखे और ना अंकल को। तो औरतें किचन में काम करते हुए ग्लव्स पहनती हैं, ड्राइविंग करते हुए भी ग्लव्स पहनती हैं, और वो कोई नर्स नहीं हुआ करती थी? हो सकता है अभी वो कुछ ऐसे ही कर रही हो। मरीज को दवाई देने के लिए ग्लव्स नहीं पहने जाते। तो हो सकता है किसी दिन एक मरीज को टीका लगा दिया हो। अच्छा चलो ठीक है, मान लिया, लेकिन उस दिन अंकल बदर ने गाड़ी हमें काफी देर से फॉलो कर रही है। हमाद सारा के वालिद की डेथ को भी इन्वेस्टिगेट कर रहा है। एक्सीडेंट की किसी फुटेज में उसने आप दोनों को देख लिया है। इसके अलावा कमाल के घर के आसपास भी आप दोनों देखे गए हैं। वो किसी वक्त भी सारा को तलाश करते करते आप दोनों तक पहुंच जाएगा। हमारे घर तक तो मूसा पहुंच चुका है, उसे सारा पे शक है। ऊपर से कोई ऑर्डर आया? चीफ साहब का क्या ख्याल है इस बारे में? मुझे आज ही मैसेज मिला है, वो कह रहे हैं कि एक हद तक तो मैं आप दोनों को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन लेकिन क्या? आप दोनों फौरन पाकिस्तान से निकल जाएं और सारा को भी फौरन यूएस भेज दें। सारा के जाने में कम से कम एक महीना तो लगेगा निगार, अब उसको इस तरह छोड़ के नहीं भाग सकते। शादी होने का वक्त नहीं है। अच्छा, सारा अपने फूफो के पास चली जाएगी रावलपिंडी, वरना काशान उसका कोई ना कोई बंदोबस्त कर देगा। निगार, जिस तरह हमने ख्याल रखा है सारा का, इस तरह कोई दूसरा नहीं रख सकता। जिंदगी तो हम उसकी बर्बाद कर ही चुके, अब दूसरों के रहमो करम पे छोड़ के मजीद बर्बाद करते। अब आप वक्त बर्बाद कर रहे हैं, पासपोर्ट रखिए और यहाँ से निकलिए। फ्लाइट में 8 घंटे बाकी हैं निगार, मुझे सोचने तो दो। यहाँ से निकलिए, रास्ते में सोचेंगे क्या करना। नहीं, 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 नही